दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु ये दोनों समान स्तर पर होते हैं। जिस प्रकार हम दीक्षा गुरु ग्रहण करते हैं तो जिस प्रकार दीक्षा गुरु शुद्ध भक्त होना चाहिए, शिक्षा गुरु भी शुद्ध भक्त होना चाहिए। किंतु आजकल शिक्षा गुरु का दुरुपयोग होता है। कई लोग अपने को शिक्षा गुरु मानते हैं या दावी करते हैं कि हम शिक्षा गुरु हैं। कोई भक्ति मार्ग में किसको लाता है वो पथ प्रदर्शक गुरु होता है, जो मार्ग प्रदर्शन करता है भक्ति मार्ग में आने के लिए या उसको गाइड करता है, वो पथ प्रदर्शक गुरु है, उसको भी सम्मान करना चाहिए। किंतु जहाँ शिक्षा गुरु की बात आती है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक स्तर पर होते हैं। जिस प्रकार दीक्षा गुरु हम सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि दीक्षा गुरु एक तो या तो साधना सिद्ध होता है, जो साधना करके सिद्धि प्राप्त हुआ है वो दीक्षा गुरु बन सकता है। जो कृपा सिद्ध है, भगवान की कृपा प्राप्त होकर जो गुरु माने सिद्धि को प्राप्त हुए हैं वो भी गुरु बन सकते हैं, दीक्षा गुरु, ये प्रभुपद ने कहा। और एक नित्य सिद्ध जो भगवत धाम से आते हैं जगत के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, ये तीन प्रकार के गुरु ये उद्धार कर सकते हैं। तो शिक्षा गुरु भी उसी प्रकार होना चाहिए, उस स्तर पर होना चाहिए। तो फिर उसमें दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं होता। यदि उस स्थिति में है शिक्षा गुरु भी, तो उसमें कोई पार्थक्य नहीं, क्योंकि शिक्षा गुरु भी जो भी बताएंगे, दीक्षा गुरु भी वही बताएंगे कैसे भक्त कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, दोनों एक ही प्रकार बताएंगे, इसमें कोई भेद नहीं। आजकल कोई हमें भक्ति मार्ग में थोड़ा प्रीचिंग करके लाता है, हम उसको शिक्षा गुरु बोल देते हैं, क्योंकि हम शिक्षा गुरु का महत्व नहीं जानते। तो शास्त्र में जो बताया गया है कि